आप प्राणायाम करते हैं ध्यान पूर्वक, दो मिनट करना है भस्त्रिका, और भस्त्रिका करते करते पूरा पसीना सोने लगे शरीर से, ये मध्यम गति है, ये धीमी गति है, लगभग 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ये बीमार लोगों के लिए है जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, अस्थमा बहुत ज्यादा है, हर्निया है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, जिनको कोई समस्या नहीं है वे मेरे साथ पूरा करना है। पसीना आया आपको, ऐसे ऐसे टपकना चाहिए। अरे बाबा जी, ये तो पसीने में नहा लिए, अब बताओ पूरा पसीना टपक रहा है, ये है सर्दी में भी गर्मी का एहसास, लेकिन ये किसी वस्त्र से नहीं है, ये किसी बाहर की गर्मी से नहीं है, गर्मी कहाँ है हमारे, बोलो जोर से, शरीर के अंदर। ज्ञान कहाँ है हमारे, अंदर। सुख शांति आरोग्य कहाँ है हमारे, भगवान भी कहाँ है हमारे, यही है योग का सबसे बड़ा दर्शन। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, पिंड बोलते हैं शरीर को, पंजाब में पिंड गांव को भी बोलते हैं। जो इस ब्रह्मांड में है वो किस में है, हमारे पिंड में है। इसको संस्कृत में एक स्लोगन से कहा जाता है, मेरे साथ बोलिए, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब कुछ प्राप्त तुम्हें करना है, तो सबसे पहले अपने इस पिंड को समझो। जिसने पिंड के रहस्यों को समझ लिया वो सारे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ लेता है। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे 2 से 5 मिनट कर लेना, पूरी ऊर्जा आ जाएगी। और हमारे भीतर पंच प्राण है, क्या है बोलो, पंच प्राण, पंच उप प्राण, क्या है पंच, पंच कोश, क्या है बोलो, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, अंतःकरण चतुष्टय, अष्ट चक्र, 9 द्वार, 72 करोड़, 72 लाख, 10,000, 201 नस नाड़िया। ये देह देवालय है, ये देह देवालय, शिवालय, हिमालय, यहीं पर शिव है, यहीं पर राम, यहीं पर कृष्ण, यहीं पर हनुमान, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, दयानंद, विवेकानंद, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम वही हो।
मात्र एक थोड़ा सा चेंज दिखता है हम सब के भीतर जेनेटिकली। ये भेद भेद के लिए नहीं है, ये तो अलग अलग पहचान के लिए है। अंदर से फाइव एलिमेंट्स आर इक्वल, सेंसेस आर इक्वल, सोल इज इक्वल एंड सुपर सोल ऑलमाइटी गॉड इज इक्वल, खुदा अल्लाह परमात्मा वाहिगुरु परमात्मा। ये योग का एकत्व का दर्शन है। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करते, पंचभूत सब जगह एक समान है, आत्माएं सब जगह एक समान है, परमात्मा तो एक है ही। उसी परमात्मा की महिमा का विस्तार इस सारे संसार में, फिर भी हम उसको पहचान नहीं पाते। आइए एक बहुत सुंदर सा भजन सुनाते हैं। और कपालभाति करते करते मूलाधार से सहस्रार्थ अंत शक्तियों को जगाते, इसी को योग में कुंडलिनी जागरण कहा है। पहचान न पाया मैं तुमको प्रभु, तुम मेरे घट में रमे हुए, तुम मेरे भीतर समाये हुए। स्थान की कोई दूरी है ही नहीं, ज्ञान की दूरी है मात्र। जिस क्षण श्रद्धा का उदय होता है, समर्पण जागता है, भक्ति जागती है। जैसे हम भगवान की शरणागति में आते हैं, ऐसे ही प्रभु तुझे अपने भीतर से पाते हैं। कपालभाति करते रहिए। मैंने देखा है जिनको पाइल्स फिसर फिस्टुला की प्रॉब्लम थी, जिनको किसी भी प्रकार के मूत्र रोग थे, धातु रोग थे, किडनी की समस्या, लीवर की, आंतों की, पेनक्रियाटाइटिस की, पेनक्रियास की, इंटेस्टाइन की, कोलाइटिस आदि की तरह तरह की समस्याएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, जिनको किडनी में स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम्स, खून की कमी की समस्या, डिफरेंट प्रकार की डेफिशिएंसी, विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, किसी भी प्रकार के केमिकल सांस हार्मोन्स का इंबैलेंस, किसी भी प्रकार का डिजनरेशन, किसी भी प्रकार की अशक्ति, वो जो भी रोग थे वो योग से दूर हो गए। ऐसा नहीं एमएस ऑटोमेन डिजीज तक दूर हो, सब कुछ का बैलेंस, सभी केमिकल सांस हार्मोन्स का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, वात पित्त कफ का संतुलन, डीजनरेट वी सेल्स का रीजनरेशन, डीजनरेट वी किडनी, डीजनरेट वा पेनक्रियास, डीजनरेट वा थायराइड, डीजनरेट वी लंग हार्ट, डीजनरेट वी ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, ब्रेन के सेल्स, आइज के सेल्स रीजनरेट हो गए। और मैंने बार बार संकेत किया, 1-5% ही हम अपने शक्तियों का, अपने ब्रेन का, अपने टैलेंट का, अपने एनर्जी का, अपने नॉलेज का, विस्टम का उपयोग कर पाते हैं। 95-99% सुप्त शक्तियां होती है, वो जागृत हो जाती है। तो कुंडली नहीं जागृत, अंदर का सारा अशुभ नष्ट हो जाता है। इसी को दग्ध बीज निर्बीज होना कहते हैं योग में। और भीतर का शुभ जागृत हो जाता। आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्रताः, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्नासुव। और ततक्षेते प्रकाशावरण, जब ये सारा भीतर का अशुभ मिट जाता है। तम योगमिति मन्यन्ते सिराम इंद्रिय धारणाम, अप्रमत्तः सदा भवति योगो हि प्रभवप्ययम्। फिर अंदर की शक्ति, अंदर का पराक्रम, अंदर की सब प्रकार की दिव्यता जागृत हो जाती है। और फिर अपने भीतर से हमें भगवान मिल जाते हैं, भीतर से सारा समाधान मिल जाता है, हम आत्मरति हो जाते हैं, आत्मकाम आप्त काम हो जाते हैं, अकाम अलोभ हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, ये बड़े बड़े शब्द हैं, बहुत गहरे ऊंचे शब्द हैं। और जब हम अकाम हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, अलोभ हो जाते हैं, आप्त काम आत्म काम ब्रह्म काम हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, निर्द्वंद्व निर्वैर निर्वीज निर्विकार हो जाते हैं, तो फिर
अपने भीतर और बाहर व्यष्टि और समष्टि में पूर्णता को अनुभव करते हैं, बहुत दिव्यता से जीवन को जीते हैं, कोई अधूरापन शेष नहीं रहे, फिर पूरी कृतज्ञता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण पुरुषार्थ के साथ अपने कर्तव्य का अंतिम श्वास तक पालन करते हुए जीवन को दिव्यता से जीते हैं। यही तो दिव्य जीवन का मार्ग है, यही तो योग अध्यात्म का पथ है। कपाल भाती करते रहिए, रुकना नहीं है किसी को भी मेरे साथ साथ। सकल जहां घट घट में जो रम रहा उनको प्रभु पहचान न पाया मैं तुमको, 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 न पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं भटकता गिर गह पर में नगर नगर में नगर नगर में नगर 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 में नगर नगर में आटन में वाटन में घाटन में विभिन्न में भिक्षण में मिलन में वाटिका में वन में घरों में दीवारन में देहरे दर्जन में हिरण में हरण में भूषण में तन में कानन में कुंजन में गोवन गोवालन गोवन में गावन में दामनी में चित देख चित मोहे प्रभु में दिखाई दे प्रभु मेरे छाए रे ननन में मन में हर पीला भटकता गिर गहबर में नगर नगर 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 किंतु पास मेरे तुम हरदम किंतु पास मेरे तुम हरदम मैं अब तक भी जान न पाया मैं तुमको पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको
जस से पदार्थ चमकाए अन्य औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फूल लगते फविले कैसे अलविल प्रकृति नदी की हर सारी के ज्ञान चक्र खोल प्रभु महिमा अपालक है न सारे कौतुक या चेतन नाड़ी के। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के। बिना वृक्ष बीज बिना तेल कब तेल होता है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के। रवि शस्त्र से पदार्थ चमकाए अन्य औषध फल फूल उगाए अन्य औषध फल फूल उगाए अन्य औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई तुम समान इस जग में कोई दाता दया निधान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया पाया मैं तुमको। निरंतरता की संत योगाभ्यास करते हैं। जब हम योग साधना करते हैं तो मैंने कहा आसन व्यायाम से हमारे शरीर के दोष, प्राणायाम जब ओंकार के ध्यान के साथ करते हैं तो प्राणायाम के तप और ओंकार के जप से हमारे इंद्रियों और अंतःकरण के दोष, और अष्टांग योग का यम नियमों का जब पालन करते हैं तो हमारे आचरण के सारे दोष दूर हो जाते हैं। ततक्ष्यते प्रकाशावरण, तो फिर जब सारे दोष दूर हो गए तो इस जगत का भौतिक सत्य जो दिख रहा है ये भौतिक सत्य है, ये प्रत्यक्ष सत्य है, दृष्ट सत्य इसको कहते हैं। इस दृष्ट के पीछे अदृष्ट, दृश्य के पीछे अदृश्य, ज्ञात के पीछे जो अज्ञात, व्यक्त के पीछे अव्यक्त, मूर्त के पीछे जो अमूर्त, प्रत्यक्ष के पीछे जो परोक्ष, सगुण साकार के पीछे जो निर्गुण निराकार, इस विश्वमय सत्य के पीछे एक विश्वातीत सत्य, दोनों सत्य हमें साफ साफ दिखने लगते हैं। इसी को बोलते हैं अपरा विद्या परा विद्या, यही ब्रह्म विद्या है, यदि अध्यात्म विद्या। जब योग साधन के द्वारा हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं तो जीवन के सब रोग, सब बीमारियां, सब बुराइयां, सारे क्लेश, सारे दुख, सारी दरिद्रता वो तो नष्ट हो ही जाती है। भीतर से हमें भागवत तत्व की अनुभूति, फिर अपने भीतर और बाहर जिसको पाने के लिए हम बाहर भटक रहे थे। पानी में मीन प्यासे रे मोहि सुन सुन आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगानाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे मोहि सुन सुन आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरि हर मुनि जन सहस अठासी, तो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी रे मोहि सुन सुन आवत हासी। है हाजिरी के ही दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो मैं साधु गुरु बिन भरम न जासी रे मोहि सुन सुन आवत हासी। जो प्रभु चारों
भीतर बाहर सर्वत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवः सर्वं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यसि इन्द्रस्य युज्यः सका। फिर चारों तरफ एक ही भगवान नजर आता है। बिना कर्ता के कोई कार्य हो कैसे सकता है? शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के इस ब्रह्मांड के एक एक परमाणु से लेकर के ये बड़े बड़े घटक, ये सूरज, ये चांद, ये धरती, आसमान, ये एक सौर मंडल नहीं, ऐसे हजारों हजारों सौर मंडल, कितना रहस्यपूर्ण रोमांचक है पूरा अस्तित्व। इसका कोई कर्ता नियंता वही तो भगवान। कपाल भाती करते रहो, ये ऐसे आधा घंटे तक करो तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, फिर तो बुद्ध हो जाएगा, फिर तुझे सब जगह भगवान ही भगवान नजर आएगा। ये कपाल भाती करते रही, रुकना नहीं। जल से धोया मन मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। अधिर गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्तेन शुध्यति विद्या तपोभ्यो भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। अर जल से धोया मन मल कर तन, धोया कभी कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी। मन सान जग में प्रकाश कोई सच्चा मित, मन सान और कोई छत हो तना, मन से ही धीरे प्रीत, मन से ही शांति की, मन में ही गंगा है, मन से ही रीत पीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही गलत कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता यीशु, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लगी कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो हर जल से धोया मन मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं। भूल जाते प्रताप ज्ञान की, भूल जाते प्रताप ज्ञान की, गंग में कर स्नान न पाया मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। कपाल भाती करते करते थक गए होंगे, तो आइए अनुलोम विलोम कीजिए। ये मन में ही सब छल कपट द्वेष दंगा हुड़दंगापन सब इस मन में, इस मन को अंतःकरण को चित्त को शुद्ध करना है तो प्राणायाम और ध्यान यही एकमात्र